पाकिस्तानी टीम के लिए 2024 के वर्ल्ड कप का खात्मा, उसके बाद जो नई नई खबरें उबल के सामने आ रही हैं। अब जैसे मोहम्मद आमिर की एक लेटेस्ट न्यूज़ वायरल हुई, उसमें बताया गया कि मोहम्मद आमिर ने इस वर्ल्ड कप के लिए अपना ज़ाती ट्रेनर रखा। अब गैर मुल्की ट्रेनर जो कि हमारी क्रिकेट टीम में मौजूद है, उसके बावजूद मोहम्मद आमिर ने अपना पर्सनल ट्रेनर साथ लेकर गए और उसके साथ टीम से अलग हो के अपनी अलहदा ट्रेनिंग की। अभी ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर पीसीबी ने मोहम्मद आमिर को इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि वो अपना ट्रेनर लेके जा सकते थे, तो मोहम्मद आमिर ने तो अपनी परफॉर्मेंस दी। लेकिन मोहम्मद आमिर का जो इशू बना यूएसए के खिलाफ, वो सुपर ओवर वाला। अब सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने 18 रन दिए। मोहम्मद आमिर की जो भी परफॉर्मेंस थी इस पूरे वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग थी। इंडिया के खिलाफ देख लें, कनाडा के खिलाफ देख लें, आयरलैंड के खिलाफ देख लें, और यूएसए के खिलाफ भी मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग की। मतलब 4 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए, एक सुपर ओवर उनका इधर उधर हुआ, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। एक मोहम्मद आमिर और दूसरी नसीम शाह। तो इस चीज़ को अभी उस वर्ल्ड कप के साथ, उन मैचेस के साथ लिंक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर ने हटकर ट्रेनिंग की, मोहम्मद आमिर अपनी ट्रेनिंग करके अपनी बीवी के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय करते रहे, घूमते फिरते रहे। अब ये तो पूरी टीम पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 28 मेंबर्स का ग्रुप जो अमेरिका गया, जिनमें हर प्लेयर के साथ फैमिली मेंबर मौजूद थे, उनकी बीवियां हो गई, मतलब उनके वालिदैन हो गए, 28 मेंबर का वो उनका एक ग्रुप गया था। तो इन्होंने बताया कि एक किस्म का पिकनिक स्पॉट बना हुआ था। तो मैच के बाद शाम को मैच पाकिस्तान हारे जीते कोई मसला नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। इसके बाद वो अपना अलहदा फैमिली के साथ इंजॉय करते रहे, पर्सनल पार्टीज़ करते रहे, पार्टीज़ में शरीक होते रहे और अपना इंजॉयमेंट करते रहे, घूमते फिरते रहे, शॉपिंग करते रहे। तो एक किस्म का पाकिस्तानी टीम उधर अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलने नहीं तो पिकनिक मनाने गई हुई थी। मतलब ये सारे इल्ज़ाम पाकिस्तानी टीम पर लग रहे हैं। अगर पाकिस्तानी टीम जीतेगी नहीं, अब देखें छोटी चीज़ को, छोटे से छोटे इश्यूज़ को पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा जा रहा है। पीसीबी के एक मेंबर ने बताया कि मोहम्मद आमिर ने अपना पर्सनल ट्रेनर रखा, उसको तनख्वाह भी उन्होंने अपने पास से दी, जिसका पीसीबी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो अपने ट्रेनर को साथ ले गए, उनके साथ ही ट्रेनिंग की, पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं की। पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं अगर उन्होंने की, फिर भी उन्होंने लाजवाब बॉलिंग की। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में उन्होंने और नसीम शाह ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से नहीं हारा, पाकिस्तान बैटिंग की वजह से हारा, गलत सिलेक्शन की वजह से हारा और गलत फैसलों की वजह से हारा। मतलब इसका पूरा मुद्दा कप्तान पे जाता है और सिलेक्शन कमेटी पे जाता है और जो टीम मेंबर्स खेल रहे थे उन पे जाता है। तो आप अगर कहें ना कि 12-11 खिलाड़ी इस चीज़ का ज़िम्मेदार है, ये चीज़ गलत है। इसके ज़िम्मेदार 5 से 6 खिलाड़ी हैं, क्योंकि अब बॉलिंग ने तो अपनी कारकर्दगी दिखाई। 4 मैच पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में खेले, 4 मैचों में बॉलिंग हमारी नुमाया रही। बॉलिंग में पाकिस्तान से कोई गिला नहीं, पाकिस्तानी टीम से कोई गिला नहीं, बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी पाकिस्तान की, लेकिन हम जो हारे बैटिंग के दम पे हारे। यूएसए के खिलाफ आप देख लें, सुपर ओवर में हम हारे, लेफ्ट हैंड के बॉलर बॉलिंग करवा रहे हैं और फखर जमान दूसरे हैंड पर खड़े हैं, और इफ्तिखार चाचा जो कि पूरी तरह फ्लॉप थे, उन्होंने कोई बड़ी इनिंग्स भी नहीं खेली। तो उन्होंने स्ट्राइक दी और 6 में से उन्होंने 3 बॉलें खेली, एक में चौका मारा और एक बीट की। तो फखर जमान को एक बॉल भी खेलने को नहीं मिली। तो आप इस फैसले से देख लें कि पाकिस्तानी टीम ने किस तरह के फैसले किए। हो सकता है फखर जमान खेले तो 18 रन 3 बॉलों पे बन जाते। मतलब जो खिलाड़ी पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अपने 20-20 साल की क्रिकेट खेल चुके हैं, हर बंदा चीख रहा है इनके ऊपर कि यार ये फैसले लो, इस तरह खेलो। मतलब ये बाबर आजम ने तो जैसे आंखें कान बंद किए हुए हैं। तो जो हार की, जो पाकिस्तानी टीम की जो हार की वजह बताई जा रही है, वो यही बताई जा रही है कि ये अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ थे, उनके साथ इन्होंने ट्रेवल किया, उनके साथ पार्टीज़ की, क्योंकि जरी बात है वो गेम से डिस्ट्रैक्ट थे पूरी तरह। उनकी 100% गेम के ऊपर तवज्जो नहीं थी, उनकी 50% वो डिवाइड हुए थे, 50% अपनी फैमिली पे और 50% अपनी गेम पे। क्योंकि आप जब गए हो तो आप गेम के लिए गए हो, पाकिस्तान के लिए गए हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हो, तो आपकी पूरा आपका पूरा फोकस पाकिस्तानी टीम होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन आप एक तरह से वो पिकनिक मनाने गए हो, सारा पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि आपकी लोगों ने उधर आपको शॉपिंग करते हुए भी देखा, आपको पार्टीज़ में भी देखा गया, $25 वाला इशू भी बना। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं और
इन सब चीज़ों को पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया जा रहा है।